सो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, जो आपके पीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो लोग व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम है आपका 12 फरवरी को होना है। ठीक है, जो लोग पीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और कल के हमने पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा था कि देखिए कल के क्लासेस में हमने देखा था, जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वो क्लास है आपका आभूषण। ठीक है, आभूषण और व्यंजन से पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि आपके 3 से 4 नंबर आपके पीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास रहेगी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज की। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट ग्रुप में आप रिवाइज करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गट्ठाशैली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो छत्तीसगढ़ की गट्ठाशैली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, तो क्या आएगा चलिए बताइएगा, सी उपरोक्त दोनों यानी कि नारायण राव मेघावाले और नाथुजी जगताप, ये दोनों ही गट्ठाशैली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब देखिए बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो सत्याग्रह हुआ है उसका कल हम क्लासेस करा देंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेस है नहीं, पार्ट 4 वीडियो में। ठीक है, यह आपका पार्ट 3 वीडियो है जिसमें आज छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आपको आभूषण से संबंधित और व्यंजन से संबंधित क्लास करवाया हूँ। ठीक है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से जाइएगा। मैं दोबारा कहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। दोनों ही अगर चैप्टर आपने पढ़ लिया, समझो 2 से 3 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो जो छत्तीसगढ़ है आपका मध्य प्रांत का एक संभाग बना है आपका 1865 में। ठीक है, कब बना है, 1865 में। तो आंसर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो देखिए कौन कौन से जो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन काल में विद्रोह हुआ है, तो इसका आंसर पहला धमधा, दूसरा है बड़गढ़ और चौथा है तारापुर। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा धमधम में हुआ था, उसके बाद दूसरा है आपको बड़गढ़ में। ठीक है, बड़गढ़, ठीक है, आपको बड़गढ़ में हुआ था, और तीसरा है आपका तारापुर। तारापुर इसको नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासनकाल हुआ था, जो विद्रोह हुए थे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जबकि कवर्धा में नहीं हुआ था ना। ओके, चलिए, चंदैनी लोक गायक के प्रमुख पात्र हैं। मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ, ये आपका टेस्ट है ना। ठीक है, बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, जो लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि चंदैनी लोक गायक के प्रमुख पात्र कौन है। तो आप सभी को मालूम है चंदैनी लोक गायक के लोरी चंदा है। ठीक है, लोरी चंदा है, बिल्कुल आप सभी को क्लियर करवाने वाला हूँ। पार्ट 4 वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, यानी कि कल हमने क्लास अटेंड किए थे ना। बिल्कुल, देखिए टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपका रहता है 7:30 को या फिर 8:30 को। ठीक है, वीडियो देखिए ये समय पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है, चाहे आप कोई भी समय में देख सकते हो, 7:30 बजे या फिर 8:30 बजे। ठीक है, बिल्कुल, देखिए धनकुल गीत का कहाँ से आते हैं। जो धनकुल गीत है आपको बस्तर जिला, जो धनकुल गीत है बस्तर जिला में गाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर लोक संस्कृति व कला से, ठीक है, लोक संस्कृति व कला से और साथ ही नृत्य से संबंधित कल हम क्लासेस में देखेंगे पार्ट 4 वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल मैं कराने वाला हूँ, डेली क्लास करें, कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए बांस गीत कौन गाते हैं। जो बांस गीत आपका होता है राउत लोग गाते हैं। ठीक है, राउत, ठीक है, राउत लोग यानी कि राउत को बोलता है यादव। ठीक है, ये आपका जो बांस गीत होता है राउत लोग गाते हैं। मातर त्यौहार कब मनाते हैं चलिए बताइएगा, जो मातर त्यौहार है कौन कौन मनाते हैं, तो ये आपका राउत जाति है यादव। ठीक है, मातर यहाँ पर देखिए जो दिवाली के समय मनाया जाता है, ठीक है ना, वो लोग नृत्य करते हैं, क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, है ना, ये मातर त्यौहार उनके द्वारा मनाया जाता है।
छत्तीसगढ़ी में जनौना ये आप बताइएगा क्या आएगा, ये बार बार एग्जाम में आता है। रमेश कह रहा है कि सर टाइमिंग आप कल के, हाँ मैं कल आपको 8:30 बजे कंप्लीट करा दिया था, वीडियो कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है। 7:30 और 8:30 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाती है, इसीलिए मैं हाँ शाम की क्लास में ना, सुबह नहीं शाम की क्लास है, ओके। चलिए हाँ बिल्कुल, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, 30 से 25 दिन आपका बचा हुआ है, ठीक है। 12 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है, तो रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जलौना में कहता है कि कारी गाय कलिंदर खाए, क्या कह रहा है, कारी गाय कलिंदर खाए, दूहते जाए पन्हाते जाए। इसका अर्थ होता है, देखिए हाँ मतलब कुआं से हम पानी निकालते जाते हैं तो पानी कम नहीं होता, वो फिर से बढ़ता जाता है, ठीक है। देखिए कारी गाय कलिंदर खाए यानी कि पानी हेरते जाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। दूहते जाए पन्हाते जाए यानी कि देखिए जो कुआं रहता है आपका, मान लीजिए आपका कुआं, इसमें पानी भरा रहता है, ठीक है, तो कुआं में आपको पानी भरा रहता है, यहाँ पर हम लोग बाल्टी डाल के निकालते हैं इसको, ऐसे पानी निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे निकालते हैं तो पानी तो उतना ही रहेगा ना, वो पझरते 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 पूरा इतना पूरा पानी आ जाता है, ठीक है, कुआं में, तो इसका अर्थ वही है। चलिए अब यह बताइएगा कि जलप्रपात से, ठीक है, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नलिखित में युग्मों का जोड़ी सही नहीं है, कौन सा जोड़ी है जो आपका सही नहीं है। तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है, जो अमृतधारा जलप्रपात है आपका कोरिया जिले में स्थित है, ये सही नहीं है पूछा गया है ना। और जो सतधारा जलप्रपात है ये मुंगेली जिला में नहीं है, तो कौन से जिला में है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रानी दरह जलप्रपात सुकमा जिले में, कौन से, सुकमा। और ये आपका चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में, चित्रकूट ये आपको बस्तर जिले में, ठीक है, बिल्कुल सही है, बस्तर आपका नीचे में, छत्तीसगढ़ के नीचे में, ठीक है ना, बिल्कुल। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है, सातधारा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा, ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर बी होगा, यहाँ पर जोड़ी सही नहीं है पूछा गया, ठीक है। चलिए ये आप बताइएगा कि निम्न में से 2011 के जनगणना के अनुसार, कौन सा पूछ रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात घटते क्रम में सही है, घटते क्रम में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोंडागांव, ये बिल्कुल गलत है। बी है दंतेवाड़ा, कोंडागांव, राजनांदगांव, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये आपका CGPSC सामान्य सॉल्वर पेपर 2014 का क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो सुमेलित कीजिए, ऐसे PSC एग्जाम में पूछता है ना, ऐसे सुमेलित वाले एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखिए हम मिलाते हैं, सुमेलित करते हैं, ये आपका जिला से, उसके बाद नगरी जनसंख्या से, ओके हाँ बिल्कुल। देखिए दुर्ग जिला कौन सा आएगा, दुर्ग जिला का आ जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है, 64.15, ओके। चलिए धमतरी का आ जाए आपका 18.65, धमतरी का आपका 18.65। उसी प्रकार आपका डी के क्या हो जाएगा, राजनांदगांव का हो जाएगा 17.73, राजनांदगांव का, ठीक है, ये आपका तीसरा। रायपुर का आ जाएगा आपका बी 59.08%, नगरी जनसंख्या, बिल्कुल सही है। चलिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह का सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती, तो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर कराते जाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपको कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल 2015 में खेला गया, इससे भारत सहित कुल कितने देशों की टीमों में हिस्सा लिया है, तो आप सभी को मालूम है 8 देशों में हिस्सा लिया था, ठीक है। धान के उत्पादक एवं उत्पादककर्ता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि पुरस्कार मिला था, देखिए
अब कृषि पुरस्कार मिला था पूछा गया है, तो ये आपको 3 बार मिला गया था। कितनी बार? 3 बार। धान के उत्पादन एवं उत्पादन या उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को मात्र 3 बार पुरस्कार मिला था। कौन से क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि के क्छेत्र में। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो भैरमगढ़ अभ्यारण्य है आपका बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ है? बीजापुर। आंसर ए। चलिए, 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ किस नृतक का प्रथम स्थान मिला था? तो आपका रुचि कृष्णन को प्रथम स्थान मिला था। कौन सा? रुचि कृष्णन को प्रथम स्थान मिला था। ओके, चलिए, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी को मालूम है धमतरी। ये जो धमतरी है आपका सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। इसके बाद रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, हाँ बिल्कुल, 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आप सभी को रिवाइज कर लीजिएगा टेस्ट के रूप में। ओके, सो फ्रेंड्स, आ जाएगा पीएससी व्यापार में पूछा गया नेक्स्ट है। ठीक है, तस्मई का मतलब देखिए, ये भी मैं यह क्वेश्चन लाया हूँ, का मतलब चौदह में देखिए कौन सा छत्तीसगढ़ के स्थान राजीव लोचन मंदिर में प्रसिद्ध के लिए वितरित किया जाता है। 21 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये व्यंजन से, ये 10 क्वेश्चन देखेंगे। लंबाई के अनुसार किस समूह में अवरोही क्रम में पूछे जाते हैं? ठीक है, अवरोही क्रम में आते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले और 3 से 4 नंबर ना करें यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए okay, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट है कि कौन सा है, बाद में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। देखो दोबारा आप पीड़िया नहीं बोलना पड़ेगा। क्या है पीड़िया? राजीव लोचन मंदिर में ब्लॉक कर दूंगा, ये प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है, आपका पीड़िया आएगा। किस त्यौहार में पसहर क्या पूछा गया? लंबाई समूह में अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में देखिए बच्चों लोगों के लिए उपास रहते हैं ना, इसी को अवरोही का मतलब छठा हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है तो आप बताइए अवरोही और अवरोही देखते हैं। ठेठरी सबसे पहले शिवनाथ नदी आएगा, तो देवनाथी सबसे पहले कहां दिखाई दे रहा है? इसका आंसर सी होगा, और की पूरी है। ठीक है, आपका कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्या है तो शिवनाथ नदी दिखाई दे रहा है, उसके बाद इंद्रावती और देहदोरी। शिवनाथ नदी है ना, इंद्रावती आपका शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी। उसके बाद देखिए मांडला व्यंजन जो यहाँ नहीं, जहाँ कभी तो आपका आंसर जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा तस्मई कहना। ठीक है, तस्मई का मतलब मांड आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ी में तस्मई कहा जाता है, रिहन दिमो को। ओके, खीर कहा जाता है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर विद्या मंडल का गजाई का हुआ था, तो सभी को मालूम है 15 नंबर को खीर की तरह पकाया जाता है। तो 15 नंबर सभी तरह किसको पकाते हैं भाई? 2000 को पकाएंगे ना, तस्मई होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य चावल अर्ध मंडल का हुआ था 15 नंबर को, किससे बना? फिर से देखिए सुमेलित वाला आ गया है, बनाया जाता है। आप सभी को ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किन लोगों ने फरा खाया जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन लेकर आया हूं यहां, एससी का है और विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एक बार खिला लीजिए, फरा जानते हो ना खाने का, ये आपके एग्जाम में हां बिल्कुल सही है ना। फरा देखिए यहां बनाया जाता है, सबसे पहले आप बताइए विकास केंद्र देखेंगे, उसके बाद जिला लेंगे। तो सिलतरा कहाँ है आपका? सिलतरा सभी के यहाँ बनता है, जो सिलतरा है आपका रायपुर में। चलिए छत्तीसगढ़ी कहाँ है? रायपुर। स्वाद कैसा? बोराई आपका कहाँ आ जाएगा? दुर्ग में। बोराई दुर्ग में। ठीक है, सिरगिट्टी कहाँ जल्दी से बताइएगा? बिलासपुर जिला में। सिरगिट्टी बिलासपुर जिला में, जबकि लारा रायगढ़ जिला में स्थित है। एक बार फिर से देखिएगा, मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिलतरा आपका रायपुर जिले में आ जाएगा। कौन सा जिले? रायपुर जिले में। बोराई आपका दुर्ग जिले में, सिरगिट्टी आपको बिलासपुर जिले में, साथ ही लारा आपका आ जाएगा रायगढ़ जिले में। ओके, चलिए अब देखते हैं फिर से जो खुरमी बनाया जाता है गेहूं के आटे से बनाया। देखिए सिंचाई परियोजना से देखेंगे और नदी से बनाया जाता है, तो आपका जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है, जो सिंचाई परियोजना है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो सिंचाई परियोजना है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय, सॉरी संजय गांधी परियोजना पूछ रहा है ना। ओके, चलिए सिंचाई परियोजना से, तो संजय गांधी परियोजना जो है आपका खारंग नदी, कौन सा? खारंग नदी। इंतजार कीजिएगा, राजीव गांधी आपका हो जाएगा मनियारी, और पाटवन जो नहीं देखा है मनियारी नदी दिया गया है। अब देखते हैं दुधवा परियोजना जो वही आ जाएगा, महान क्या पता हावा हो सकते हैं। ठीक है, और ये सिक्का सार है, हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा।
कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार ये संगणना की है जनगणना, ठीक है ना। पर्यावरण कृषि जनगणना के अनुसार 2010-11 में लघु एवं सीमांत कृषकों का क्या प्रतिशत है, तो आप सभी को मालूम है सबसे ज्यादा पेवन कम से कम 4% नंबर था, ठीक है। अब ये बताइएगा देखेंगे अगर जो द्वारा अनुमान पहली बार आए तो छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि क्या था, 1.65% था, तो आपके आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। और बात यह कहूँ कि कल से हम लोग जीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी का क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और हाँ ये बिल्कुल ये क्वेश्चन कल के क्लासेस में देखने वाले हैं, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था से दोनों ही मिक्सिंग क्लासेस रहेगा, ठीक है। पहले लोक कला संस्कृति क्लास चलेगी, लोक कला संस्कृति और नृत्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे, है ना, कि लोक गाथा, हाँ ये सब नृत्य से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछता है 2 से 3 नंबर। और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्वेश्चन देखने वाले हैं कल की क्लासेस में, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि पीएससी एग्जाम में आपका भारत की अर्थव्यवस्था क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीडीपी से एक नया क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन लोगों को इंटरेस्टेड है वीडियो में, है ना, जिन लोगों को तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, वो वीडियो पर बने रहें, कल की वीडियो पर देखिएगा, ठीक है। पार्ट 4 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है भाइयों, वहाँ पर जाइएगा, बहनों एवं भाइयों वहाँ पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरा क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा, चैप्टर पूरा चैप्टर। सीजीपीएससी अगर आप लोग सीजीपीएससी का जो आपका प्लेलिस्ट बना है वहाँ पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट उसमें मिल जाएगा। जैसे कि आप, मैं कहूँ कि 25 वीडियो वहाँ पर अपलोड किया गया है सीजीपीएससी में, सीजीपीएससी प्री का जो नाम रहेगा प्लेलिस्ट पर, ठीक है, जाइएगा चेक कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर, एक बार नोट कर लीजिएगा, मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर, ठीक है। इस चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर बिल्कुल दिया गया, या फिर इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये चैनल जो मैं आपको वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ उसको जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जब भी ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करो या ना करो मुझसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को ऑल पर सेट करना, ठीक है। जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं कहूँ कि प्लेलिस्ट पर जाइए, पहले सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाइए, सीजीपीएससी के जो क्लास रहता है, हाँ उसको पूरा 25 से 30 क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूँ, उसको जाके पूरा कंटिन्यू रट लीजिएगा एक बार, ऐसे ही आँखों में देख लीजिएगा, आपका रिवाइज कर लीजिएगा बिल्कुल, वहाँ से आपको 5 से 6 नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है, 5 से 6 नंबर नहीं छूटने वाला है, इसीलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो देख लीजिएगा कल के वीडियो का, है ना। और डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, ऑल वीडियो कोई भी आप जाके देख सकते हैं, जो भी तैयारी करना है, ओके। चलिए देखिए, अब यहाँ पर बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल, आप सभी को मालूम है कभी भी किसान शॉपिंग मॉल पूछा जाए तो आप बताएंगे राजनांदगांव मंडी, ठीक है, राजनांदगांव मंडी, ओके। चलिए, किसान शॉपिंग मॉल, अब ये देखिए पंचवर्षीय योजना, आप पंचवर्षीय योजना बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक क्या नाम है आपका नितिन, जो नितिन जी हैं आप पूछ रहे थे कि कमेंट में कि सर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन करा दे या करके, तो ठीक है कल के बाद हम परसों हम करा देंगे पंचवर्षीय योजनाओं से, सही है, योजनाओं से संबंधित क्लासेस कराएंगे, ठीक है। पार्ट 5 वीडियो में आपकी योजनाओं से संबंधित क्लास रहने वाली है, ठीक है, ओके। चलिए इसका बताइएगा, आप योजना से पूछ रहे थे ना, तो इसको बताइएगा, पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, वेरी गुड, बिल्कुल नितिन, वेरी गुड आप सभी को जो लोग इसका आंसर दिए हैं, ओके। चलिए, यह आपका आ जाएगा वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का क्या प्रतिशत था, जबकि 14-15 में क्या था पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं है, किसी में भी नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया था, सिंचित भूमि में जलाशय नहरों से सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है आपका, है ना,
ये आपको वर्ष में 2013-14 में कितना था, तो आप सभी को मालूम है 55.0% है ना। ये आपका आंसर कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये हम कल क्लासेस करेंगे, ये सभी का क्लास हम कल करेंगे, ये एक बार देख लीजिएगा ठीक है, ये सभी क्लास कल करेंगे है ना। चलिए इसका बता दीजिएगा क्या आएगा। हाँ, पंडवानी गायक किस ग्रंथ से आधारित है, महाभारत। उसी प्रकार महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल चंपारण है। किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह सम्मान दिया जाता है, किस चक्र के लिए, तो आपको कथक नृत्य के लिए ठीक है। ये जो जितने भी क्लास है सभी हम कल देखेंगे ठीक है। ये देखिए एग्जाम में कई बार पूछता है, ये सभी ऐसे ही पूरा देखेंगे, देखिएगा। ये आपका चाहिए सेमरसौद कहाँ है, बलरामपुर। कहाँ है सेमरसौद, बलरामपुर। उसे बादलकोल 105 वर्ग किलोमीटर कहाँ है, जल्दी से बताइएगा, जसपुर जिला में है ना। उसी पर गौमुर्दा आपका आ जाएगा रायगढ़ जिला में। सीता नदी आपका धमतरी में आएगा ठीक है, ये प्राचीन है। सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, सीता नदी ठीक है, सबसे प्राचीन नदी सीता नदी है। बादलकोल है आपका 105 वर्ग किलोमीटर ठीक है, 105 वर्ग किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, अभ्यारण से भी क्वेश्चन करवाएंगे ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण से क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ये सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, ये वाला भी देख लेते हैं। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था, रामचंद्र। रामचंद्र जी थे ठीक है, रामचंद्र भगवान का नाम ले लीजिएगा ठीक है। रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शासक प्रमुख शासक। देखिए अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत लोग का कहना है कि सर क्लास में हम पीछे हो गए हैं बोल रहे हैं, तो सभी को क्लास में करा दूंगा। सबसे पहले क्या बोला था मैं आपको, नृत्य से संबंधित, साथ ही आपको योजनाओं से संबंधित और नृत्य कला संगीत से संबंधित है ना, वादक वगैरह बाजा वाजा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आभूषण की क्लास हो गई है, व्यंजन से भी क्लास हो चुकी है, ये हमने कल देखेंगे कल के वीडियो में। और क्या बोला था कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था से दोनों, ये तीनों जितने भी आए ये आप कल के में कराएंगे ठीक है। ये जो मैं बताया हूँ ये सभी कल के क्लास रहेगी है ना, लास्ट तक जरूर बने रहेगा ओके। डेली क्लास करते रहिएगा ठीक है, डेली क्लास करते रहिएगा, कल के वीडियो में करा दूंगा। और जैसे ही परसों मैं आपको पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन कराऊंगा, इतिहास से, आधुनिक इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, तीनों ही मिक्सिंग क्लासेस रहेगी। वहाँ से आपको पूछे जाते हैं, मौर्य वंश से पूछे जाते हैं ठीक है, इतिहास से वगैरह से, विद्रोह वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्रोह से ठीक है। और बस्तर के दशहरा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो नंबर पूछता है बस्तर के दशहरा से ठीक है। वीडियो पर बने रहिएगा ठीक है, डेली क्लास के लिए। अगर चैनल पर नए हैं या भी जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा है ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ठीक है, अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ठीक है। और आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या व्यापम की। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग पीएससी की तैयारी कर लिए तो व्यापम की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगा ठीक है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।